వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణోరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణ వందే జగద్గురుం. నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి మాం యో విజానాతి కర్మభిర్ నసబధ్యతే. ఇస్కో కియా థా హమ్నే ఔర్ ఇస్మే కహా థా అభిజానాతి. అభిజానాతి కా అర్థ హై, శంకరాచార్య కహతే హై, ఆత్మ రూప్ సే జాన్ లేతా హై, ఏవం యహ అపి మాం ఆత్మత్వేన అభిజానాతి, న అహం కర్తా న మే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి స కర్మభిత్. జో పరమాత్మా కో అప్ని ఆత్మా కే రూప్ మే జాన్ లేతా హై తో ఫిర్ వో పరమాత్మా జైసే కర్మ సే లిప్త నహీ హోతే వైసే వే భీ కర్మ సే లిప్త నహీ హోతా. तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को देखा था, या फिर अपने आत्मस्वरूप को जाने, ये ज्ञान का प्रसंग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग. तो इसलिए ज्ञान में यानी अपने आत्मा का ज्ञान यदि जिसको होवे वह भी कर्म से लिप्त नहीं होता, यह अर्थ हो सकता है. पंद्रहवा आज करेंगे. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వై పూర్వతరం కృతం. క్యా కహా భగవాన్ ఇస్కే బాద్ కహతే హై కి ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షు. పూర్వ కే జో ముముక్షు లోగ్ హో గయే హై, जनक इत्यादि और भी जो राजर्षि इत्यादि हुए हैं, उन पूर्णों ने एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, मेरे स्वरूप को जानकर निर्लिप्त होकर उन लोगों ने कर्म किया था. तस्मात कुरु कर्म एव तस्मात्तम, इसलिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो, पूर्वे पूर्वतरम कृतम, जिस प्रकार से पूर्व वाले लोगों ने किया था उसी प्रकार से तुम कर्म करो. पहले के मुमुक्षु लोगों के द्वारा इस प्रकार कर्म के रहस्य को जानकर कर्म किया गया था, इसलिए तो भी उसी प्रकार कर्म कर. तो यहाँ पर भगवान स्वधर्म पर जोर दे रहे हैं. और हमने देखा था कि परंपरा को बार बार गीता के अंदर महत्व दिया गया है. इसका मतलब यह नहीं, कुछ लोग परंपरा के विरोधी होते हैं और कुछ लोग परंपरा को पकड़े रहना चाहते हैं. कुछ कट्टरवादी जो परंपरा को अंधविश्वास के रूप में पकड़ के रखना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है. लेकिन सदा यह ध्यान रखना है कि अगर हम कर्म करें तो पूर्व की परंपरा उन लोगों ने कैसे किया यह जानकर किया जाए. धर्म के बारे में प्रश्न उठता है, श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषि यत्स वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था. श्रुतयो विभिन्ना, कई प्रकार के बहुत सारे ऋषि हो गए हैं, ऋषियो विभिन्ना, और बहुत सारी श्रुतियां हैं, शास्त्र अलग अलग बात कहते हैं, और इसलिए मन में शंका उठ जाती कि क्या करें. इसके उत्तर में कहते हैं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्म का तत्व जो है गुहा में छिपा हुआ है, गहन है, समझना कठिन है. जो महापुरुष येन गतः स पन्था, जो जिस पथ से महापुरुष गए हैं उस पथ को वही धर्म का पथ है. तात्पर्य यह है कि महापुरुष के आचरण लोगों ने जो किया है वैसा हमें उनको देखा देखी करना चाहिए, अन्यथा भगवान राम का महत्व क्या रहेगा. हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आचरण किया वह आचरण हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आचरण हो गया है, वह उसी आचरण के अनुसार हम कर्म करते हैं. तस्मात त्वं पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वात् यदि अनात्मज्ञः, इस प्रकार यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है, अगर आत्मज्ञानी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं,
तब तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए और यदि तत्वज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए जनकादि पूर्वज द्वारा सदा के लिए किए हुए कर्म कर। दो हेतुओं से कर्म किया जा सकता है, एक चित्त शुद्धि के लिए और दूसरा लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। जो ज्ञानी है, जो सिद्ध है, जो प्रतिष्ठित हो गया है अपने स्वरूप में, वह लोक कल्याण के लिए कर्म करेगा और जो अज्ञानी है वह चित्त शुद्धि के लिए करेगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं जो हम तीन दो तीन श्लोकों की व्याख्या एक साथ करेंगे। शंकराचार्य ने उसके ऊपर बड़ी लंबी टीका की है, ज्ञान पर एक टीका की है, उसको भी हम थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। अब यहाँ तक तस्मात करके देयरफॉर तुझे इस प्रकार का कर्म करना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं किम कर्म किम करमेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कहा? किम कर्म, कर्म किम, कर्म क्या है? किम अकर्म, अकर्म क्या है? इति, इसके संबंध में अत्र, इस विषय में कवयः बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहिताः, मोहित है, कंफ्यूज्ड है। इसलिए देयरफॉर तस्मात् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। इसलिए मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है, कैसे करना, इससे तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद में भगवान कर्म कर्तव्य तीन की बात करेंगे, कर्म अकर्म विकर्म की बात करेंगे। भगवान कहते हैं कि कवयः, कवि लोग, कवि यानी बुद्धिमान लोग। ये कवि शब्द परमात्मा के लिए भी यूज होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयान समुदत स्मरेत, यह भगवान गीता में कहते हैं और उपनिषद में भी आता है। कविम मनीषी, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, ईशावास्य में याथा तथ्यतो अर्थान व्यथा शाश्वतीभ्य समाभ्यः। कवि ही मनीषी परिभ्यू सर्वत्र विद्यमान स्वयंभू, सब भगवान के लिए। तो कवि शब्द का दो उपयोग होता है, एक परमात्मा के लिए और दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति। तो कहते हैं कवयः, कवि भी मोहित है, क्या करना क्या नहीं करना, देश काल पात्र के अनुसार हमें करना पड़ता है। नहीं तो एक बात, एक वस्तु, एक व्यक्ति के संबंध में, एक परिस्थिति में सत्य हो सकती है, अच्छी हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में वही बात वह गलत भी हो सकती है। हम बच्चे को वह बात नहीं कह सकते जो बड़े को कहते हैं। बच्चे को मिला जुला के, कहानी बना के, सच्चा झूठ मिला के, कल्पना की बातें बता के हमको समझाना पड़ता है। अगर बच्चे को हम सीधी बात कहने लगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको समझना अत्यंत कठिन है, कवि लोग भी नहीं समझते। सामान्यतः कर्म का अर्थ है स्वधर्म, कई बार हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं। अकर्म यानि कर्म नहीं करना, जो कहा माते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु, फल में नहीं, माँ कर्म फल हेतु भू, माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म से तेरा संबंध नहीं है। अकर्म से यानी काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना, ऐसा मत कर। दोषपूर्ण हो तो भी कर, अकर्म में मत करना। तो कर्म और अकर्म का सीधा अर्थ तो ये है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें काफी गहराई है, उसको हम आप देखने का प्रयत्न करेंगे। अगला श्लोक देख लीजिए, कर्मणो यविबोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः।
क्या कहते हैं, कर्मणः अपि बोधव्यम्। ऐसा मत समझ लो कि कर्म जो है वो देहादि की चेष्टा और अकर्म यानी कुछ नहीं करना, इतना मात्र नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मणः अपि बोधव्यम्, कर्म को भी यानी शास्त्र विहित क्रिया को भी जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मेरे लिए क्या विहित है। सन्यासी हो गया लेकिन वो नहीं जानता है कि सन्यासी को कैसा आचरण करना चाहिए। शादी हो गई लेकिन वो नहीं जानता है कि कैसे आचरण करना, ऐसा नहीं। कर्मणः अपि बोधव्यम्, बोधव्यम च विकर्मणः। विकर्मण याने भगवान शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं विकर्म याने शास्त्र विरुद्ध कर्म। विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म क्या होता है यह भी जानना चाहिए। और अकर्मणः याने कुछ भी नहीं करना, इन तीनों का जानना चाहिए। उनके संबंध में बोधव्यम, यह बोधव्यम इनके संबंध में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि यस्मात् गहना दुर्गया इत्यादि इनके संबंध में जानना इतना आसान नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो है यानी वो कैसे है उसको समझना कठिन है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें और बाद में इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है बताने का प्रयत्न करेंगे। तो कर्म का अर्थ है स्वधर्म आचरण, अकर्म का अर्थ है अभाव, कुछ काम नहीं करना, और विकर्म यानी विरुद्ध काम, खराब काम, प्रतिषिद्ध काम, जिसको मना किया है, निषेध कर्म वह करना। वी का अर्थ विकर्म लगाया, इसका दूसरा अर्थ में होता है विशेष कर्म, विपरीत कर्म है और दूसरा विशिष्ट कर्म, स्पेशली कोई आदमी कर सके वह कर्म। तो ये तीन जो कर्म है इनके ऊपर अलग अलग लोगों ने अपने अर्थ लगाए। एक का अर्थ है, कर्म का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। शंकराचार्य गीता में करते हैं कि अकर्म का अर्थ है व्यक्ति इस तरह से काम करता है कि वह कर्म करता हुआ प्रतीत नहीं होता, काम करते हुए भी प्रतीति नहीं। इसलिए कई प्रकार के अर्थ यहाँ पर लगाए हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रास्ते में आगे जा रहे हैं और रास्ता अगर बहुत सरल चरस से जा रहा है, चार पांच ब्रांचेस गई, तो कैसे पता लगाएंगे। इसीलिए भगवान एक कर्म का अकर्म का त्याग करने का भगवान गीता में कई बार कहते हैं, कर्म का त्याग अकर्म का त्याग है। माते संगोस्त्व कर्मणि न कश्चित क्षम क्षण तिष्ठतु जातु अकर्म कृत, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अकर्म का तो सीधा अर्थ है बिना कर्म के नहीं रहना। तो फिर भगवान ने यूं क्यों कहा कि दोनों को जानना चाहिए, इनकी गति बहन कठिन है। इसलिए प्रश्न उठता है, एक जगह तो कहा है कर्म करने बिना नहीं रह सकते, तो फिर क्यों जानना है, फिर कर्म किया रह सकते हैं क्यों कोई। और उसके बाद में भगवान विकर्म के संबंध में भी हमने कहा दो अर्थ लिए हैं जो हमने अभी देखे, एक तो विपरीत कर्म और दूसरा विशेष कर्म। लेकिन अब हम तीसरे श्लोक पे आते हैं जिसके द्वारा बात हमको अधिक समझ में आएगी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। क्या कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और जो मनुष्य अकर्मणि च कर्म यह और अकर्म में कर्म को देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, संयुक्तः वह योगी है, और कृष्ण कर्म कृत, उसने समस्त कर्मों को कर लिया है। He was is the doer of all activities। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कर्म में अकर्म को देखना, इसको स्वामी विवेकानंद की एक घटना से समझने का प्रयत्न करते हैं।
एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक चित्रकार आए, उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र जो आपकी सब पुस्तकों पे है ना, ये श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये सब है, अगले चित्र को आप देख लीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण रथ के जो घोड़े हैं उनकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है और श्री कृष्ण हाथ उठाकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक हाथ में लगाम है एक हाथ से उपदेश दे रहे हैं, यही है ना। उसने बनाया था भगवान स्वामी विवेकानंद को दिखाया कैसा है, स्वामी जी ने कहा अच्छा है। तो उसने कहा कि नहीं स्वामी जी आप इसको बताइए, इसमें गुण दोष बताइए। देखिए दोष नहीं बताना चाहिए, याद रखिए कहा है ना कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी ने कहा नहीं अच्छा बना है। उसने कहा नहीं आप इसको कमेंट कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि श्री कृष्ण का चित्र ऐसा होना चाहिए जो ऐसा वे स्वयं थे, यानी चित्र के माध्यम से श्री कृष्ण का चरित्र प्रकट होना चाहिए। और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने पोज बना के बताया कि कल्पना करो कि स्वामी विवेक श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ ऐसा बताया, लगाम उन्होंने ऐसी जोर से पकड़ रखी है कि घोड़ों के पैर बाहर सामने वाले पैर ऊपर उठ गए हैं, मुंह खुल गए हैं, भाग नहीं जाते, इतनी जोर से खींच रखा है। कुछ एक चित्र में है इतनी जोर से के। उन्होंने जो रथ बनाया था तो लगाम ढीली बनाई थी, तो खड़ा हुआ है रथ, ढीली हो भी सकती है लेकिन नहीं, घोड़े तेजस्वी हैं, याद रखिए ये घोड़े जो दैवी घोड़े थे, मार याद रखिए ये स्वर्ग के घोड़े थे, वो एक मरता था दूसरा आ जाता था इमीडिएटली, वो तेजस्वी घोड़े हैं और श्री कृष्ण ने अपने हाथ से इतनी जोर से पकड़ रखे हैं उनको कि वो उनके मुंह खुल गए हैं, वो पैर ऊपर उठ गए हैं सामने वाले पैर, लेकिन भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण ऐसे बैठे हैं, एक हाथ से पर्याप्त है, दोनों हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है उनको, उनमें ऐसी शक्ति है। सामान्यतः श्री कृष्ण को हम एक योद्धा या बहुत प्रगढ़ फिजिकली स्ट्रांग ऐसा नहीं समझते, लेकिन श्री कृष्ण भी बहुत सारे शारीरिक दृष्टि से बहुत प्रबल थे, शक्तिशाली थे। और श्री कृष्ण मुंह दूसरी तरफ फेर कर अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा इस प्रकार का अगर चित्र होवे तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या बताओगे। तो उसने कहा हाँ सारे शरीर में इंटेंस एक्टिविटी, बहुत क्रियाशीलता, लेकिन मन पूर्ण रूप से शांत। स्वामी विवेकानंद के हाँ ये बात, इंटेंस एक्टिविटी पूर्ण क्रियाशीलता लेकिन पूर्ण शांति उसके साथ। और यह बोलकर स्वामी विवेकानंद ये श्लोक बोलते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणी च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु। श्री कृष्ण के सारे शरीर में इंटेंस एक्टिविटी, बहुत क्रियाशीलता है लेकिन मन एकदम शांत, मानो क्रियाशीलता है ही नहीं, हाथ हिल ही नहीं रहा, कोई शरीर तो हिलता दिख नहीं रहा है। अगर शक्ति नहीं होती, क्रियाशीलता नहीं हो तो घोड़ों को कंट्रोल कैसे कर रखा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्मणि यह कर्म यह प्रश्येत। और इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद दूसरे संदर्भ में भी कहते हैं, जब वे कर्मयोग के संबंध में, आप स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग पढ़िए, वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर, संभवतः उसी श्लोक में है, उसी कर्म में है, वहां पर वे कहते हैं स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग का आदर्श ये है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक स्वामी विवेकानंद के अनुसार, एक बहुत व्यस्त नगर में, दिल्ली है, यहाँ चंडीगढ़ में तो भीड़ नहीं है, बहुत दिल्ली है या बम्बई है उसकी बहुत लोग बहुत आ जा रहे हैं, उस पे आप जा रहे हैं, अत्यंत व्यस्तता के बीच में मन पूर्ण रूप से शांत, ये हुआ कर्म में अकर्म। और दूसरा हिमालय की एक गुफा में एकांत में, कोई नहीं वहां पर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, चल भी नहीं रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, एकांत में बैठे हो, अकर्म, लेकिन उसमें मानसिक तत्व चिंतन, परमात्मा का तत्व चिंतन इंटेंसली हो रहा है, अत्यंत तीव्रता से परमात्मा चिंतन हो रहा है, कर्म में अकर्म में कर्म, यह आदर्श। इंटेंस काम इन इंटेंस एक्टिविटी एंड इंटेंस एक्टिविटी इन इंटेंस काम,
पूर्ण शांति में तीव्र गतिशीलता और तीव्र गतिशीलता में पूर्ण शांति, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये आदर्श है। ये कैसे होगा? अगर हम संसार का कर्म भगवान में के मन लगाकर करें तो हम देखेंगे कि ये बड़ी आसानी से हो जाता है। हमारा एक मन का एक हिस्सा भगवान में पड़े रहने दीजिए और सारा कर्म कीजिए, आप अत्यंत कर्मशील रहेंगे। खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजर का काम कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, लेकिन आपके मन का एक भाग जो है भगवान में पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि सारे दिन काम किया और पूर्ण रूप से प्रशांत रहे, कुछ किसी प्रकार का तनाव नहीं आया, किसी ऐसा लगा ही नहीं कि आज हमने इतना काम किया। ये हुआ पूर्ण गतिशीलता में पूर्ण काम शांति। और अगर ध्यान का अभ्यास अच्छा बन गया तो आप शांत बैठे रहेंगे और मन तीव्रता से परमात्मा का चिंतन करेगा। पूर्ण कर्म, पूर्ण शांति, शरीर मन का लग रहा है कोई काम नहीं किया दिन भर, लेकिन उन्होंने आपने महान कर्म। तो एक व्याख्या जो श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के अनुसार है वो तो यह है। और श्री कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं पूर्वैरपि पूर्वतरम कृतम, जो भगवान कहते हैं कि जैसे लोग किया था मैंने भी इसी प्रकार से कर्म कर रहा हूँ। गीता समझना हो तो श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, कितना कर्म किया। महाभारत का युद्ध करवाया, यादवों की रक्षा की, काल यवन को नष्ट कराया, जरासंध को नष्ट किया, कितना काम किया। सारा जीवन कर्म करते रहे लेकिन पूर्ण शांत, बिल्कुल किसी प्रकार का स्पंदन नहीं, कर्म में अकर्म। शंकराचार्य इसकी ज्ञान परक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, जो व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित है वो जानता है कि आत्मा बिल्कुल कर्म नहीं करती, इसलिए वो पूर्ण रूप से खूब कर्म करता है लेकिन जानता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। ये शरीर और मन कर्म कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कर्म, लेकिन कर्म में वो जानता है कि मेरी आत्मा कर्म नहीं कर रही। तो ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो छोड़ देता है कर्म। मैं इस कर्म के झंझट में नहीं पड़ूंगा। लोग कई बार सोचते हैं ये कर्म बड़ा झंझट का काम, इस झमेले से मुक्ति पा रहा। मैंने दृष्टांत दिए थे, झमेले से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, झमेला मन में है, बाहर नहीं है। मन अगर आपका पूर्ण रूप से स्थिर है, संयत है, अभी आज हम उसके बाद कंडीशंस देखेंगे। याद रखिए स्थित प्रज्ञ का जैसा वर्णन दिया है द्वितीय अध्याय में, वैसा तृतीय अध्याय में कर्मयोगी का, स्थित ज्ञान कर्मयोगी जो है उसका वर्णन है। अभी बहुत सारे वैल्यूज एक साथ आएंगे। अगर ये वैल्यूज आपके जीवन में है तो आप कर्म करते हुए भी पूर्ण रूप से अकर्ता। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि संसार छोड़ के चले जाना। जो लोग चले जाते हैं ये वैल्यूज नहीं है, ये जीवन में आदर्श नहीं है, बात समझी नहीं है, वहां पे भी अशांत रहते हैं। मन की अशांति है सारी समस्या पैदा करती है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति सब कुछ छोड़कर कर्म त्याग दे देते हैं, लेकिन वो अहंकार से प्रेरित होकर कर्म त्यागते हैं। मैंने कर्म त्यागा, वहां पर मैं लगा हुआ है, कर्म त्याग रूपी कर्म करते हैं, और ऐसे ये लोग कर्म में फंसते रहते हैं। तो वहां पर उनका अकर्म में कर्म बहुत बड़ा कर्म है। ये विस्तार से शंकराचार्य इसके डिटेल में जाते हैं। सच पूछा जाए, यहाँ पर टीका करते हुए लिखा है, कर्मों का करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ता के मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, मैं ही कर्म करूंगा या कर्म का त्याग करूंगा। तो जब तक कर्तापन है तब तक, जब तक अहंकार है तब तक वह कर्म ही हुआ। वह प्रवृत्ति होवे चाहे निवृत्ति होवे, वास्तव में कर्म ही है। इसलिए अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म ही है, यह बात। और इसको बहुत विस्तार से वह अपने इसको समझाते हैं, जिसके विस्तार में हमको यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद 19वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक 17 वैल्यूज का वर्णन किया गया है।
17 सद्गुणों का सद विशेषणों का वर्णन किया गया है जिसको एक कर्मयोगी में होने चाहिए। वही अकर्म में कर्म देखेगा और कर्म में अकर्म, इसको हम देखते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः। हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसको व्याख्या करेंगे। हम मीनिंग बताते जाता हूँ मैं। जिसकी समस्त समारंभा, जिसके सब समारंभ यानी चेष्टाएं, बिगनिंग्स एक्टिविटीज क्रियाएं काम संकल्प वर्जिता कामना और संकल्प से रहित होती है, इसको वर्णन करना पड़ेगा। कामना और संकल्प का क्या संबंध है एक दूसरे के साथ। तम उसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्म दग्ध हो गए हैं, जल गए हैं, तम उसको बुधाह पंडितम आहु, उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। यहाँ पर दो विशेषण बताए, समस्त समारंभ काम संकल्प से रहित होवे और ज्ञानाग्नि द्वारा समस्त कर्म नष्ट हो जावे। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति सः। सः वह व्यक्ति जो कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म का फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तः सदा तृप्त रहता है, निराश्रय भगवान के अतिरिक्त और किसी का आश्रय नहीं लेता, वह क्या है कर्मणि प्रवृत्तः अभी, कर्म में अभी प्रवृत्तः विशेष रूप से प्रवृत्त होते हुए भी किंचित एवं न करोति, ऐसा करते हुए भी कुछ नहीं करता। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी ही आशा रहित, हमने देखा था, बात किया था, आशा ही परमं दुःखम्, किसी से आशा रखना उससे दुख होता है। निराशी यत चित्तात्मा, जिसने चित्त यानी मन को और देह को संयत कर लिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह समस्त परिग्रहों को त्याग कर दिया है, भोग सामग्री को जिसने त्याग दिया है, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, केवल शरीर से कर्म करता हुआ या शरीर संबंधी कर्म करता हुआ किल्बिषम न आपनोति, वो पाप को प्राप्त नहीं होता ऐसा व्यक्ति। और क्या है, और भी वैल्यूज बोलते हैं, चार वैल्यूज और बोलते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। क्या है वो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल गया उससे संतुष्ट, अपने आप जो कुछ यदृच्छा ने अपने आप बिना मेरी इच्छा के अपने आप जो कुछ मिल जावे उससे जो संतुष्ट होता है। द्वंद्वातीतो शीत उष्ण हर्ष शोक आदि जो द्वंद है, ड्वेलिटीज हैं, विपरीत हैं, उनमें जो उससे अतीत है उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। विमत्सरः यानी मात्सर यानी ईर्ष्या किसी से उसकी नहीं है। और सिद्धो असिद्धो समः, सिद्धि और असिद्धि में समः, समौ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, और स्थित प्रज्ञ दर्शन में भी इस प्रकार की बात करते हैं, सिद्धि और असिद्धि में जो सम है
कृत्वा अपि न निबद्धते, ऐसा व्यक्ति कुछ कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। देखिए, मैंने कहा ना, गीता इज ए बुक ऑफ वैल्यूज, आदर्श, नैतिक आदर्श इत्यादि जो है ये सारी गीता में, द्वादश अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में, स्थित प्रज्ञ दर्शन में, बीच बीच में भगवान बोलते चले जाते, फिर कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब क्या कहा, गत संगस्य आसक्ति रहित व्यक्ति, मुक्तस्य जो है मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त जो व्यक्ति है, और क्या है, ज्ञाना अवस्थित चेतसः, ज्ञान में जिसका चित्त प्रतिष्ठित है, अवस्थित है, ऐसा व्यक्ति यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए आचरण जो व्यक्ति अपने कर्मों का करता है, यज्ञ के रूप में करता है, ऐसे व्यक्ति के मुक्त, और जो मुक्त है राग द्वेष से मुक्त है, उसके समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके समग्र कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अब देखिए कितनी वैल्यूज, एक के बाद एक, बहुत सारी वैल्यूज का यहाँ पर विशेषण एक के बाद एक दिया गया है। अब हम उनको एक एक करके देखने का प्रयत्न। सबसे पहले क्या कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके समारंभ, समारंभ यानी चेष्टाएं, बिगनिंग एंटरप्राइजेस, जो भी हम करते हैं, काम करते हैं, प्लान करके, नॉन प्लान, प्लान अहंकार से प्रेरित होकर जो करते हैं, उनको हम यहाँ पे समारंभ कहा, आरंभ, बिगनिंग्स, कुछ काम समारंभा, समारंभते इति समारंभा, कर्माणि समारंभते, यानी उनका नाम, जिनका प्रारंभ किया जाता है उनका नाम समारंभ है। इस व्युत्पत्ति से संपूर्ण कर्मों का नाम समारंभ शंकराचार्य कहते हैं, यानी कर्म, समारंभ यानी कर्म, ये क्या है, काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित हैं। ये कामना और संकल्प, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भगवान गीता में कई तरह से करते हैं, क्या कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान, वहां भी काम शब्द है और संकल्प शब्द है, संकल्प से कामनाएं उत्पन्न होती है और काम से संकल्प उत्पन्न होता है। हमारे मन में जब इच्छा वासना कुछ उत्पन्न होती है तो हम उसको पूर्त करने के लिए संकल्प करते हैं, विलिंग। अगर कोई कामना वासना मन में उठी और उसके पीछे हमने विलिंग नहीं किया, संकल्प नहीं किया, पूर्ति की बात नहीं की, तो वो नष्ट हो जाएगी। बहुत सारी सैकड़ों इच्छाएं वासनाएं उठती हैं, याद रखिए, आपके मन आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। मैं एक मजेदार दृष्टांत दूं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मजा आएगा आप लोगों को मेरा। मैं एक बार, दो बार यहाँ पर सेक्रेटरी बनने के पहले दो बार चंडीगढ़ आ चुका हूँ। एक बार कीर्तितानंद जी ने मुझे बुलाया था और एक बार पीताम्बर ने जी बुलाया था, और उस समय मैं जानता था कि इस तरफ यहाँ पर भाखरा नांगल डैम वगैरह है और मैंने नाम बहुत सुना था, गोविंद सरोवर बहुत बड़ा सरोवर है, सागर है तो समुद्र जैसा ही है, और भाखरा जो डैम है वो एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा डैम है। मेरे मन में काफी इच्छा थी, कभी कभी इच्छा होती थी कि मैं जाऊंगा, इधर किसी भक्त से कहूंगा कारवार की व्यवस्था करके वो जाएंगे, लेकिन मैंने ये काम, कामना, इच्छा देवरे दिमाग में थी, लेकिन उसे मैंने संकल्प का रूप देके उसको पूर्ण करने के लिए समारंभ नहीं किया, बिल्कुल समारंभ नहीं किया, बिल्कुल छोड़ दिया। कभी मन में आया ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं। कभी कभी आया कि चले कुछ छुट्टी लेके जाएंगे देखेंगे, बड़ी कभी कभी कर दी इच्छा। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ आ गया और वहां कई बार जा चुका हूँ। अपने आप क्या मतलब, अगर कामना को ठीक ठीक, कामना आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, उसको संकल्प के साथ मत जोड़िए,
माँ शारदा कहती हैं कि जो आपका प्राप्य है, व्हाटएवर यू डिजायर इन योर लाइफ यू विल गेट इट। जो भी प्राप्य है आपका, पदवी है, इधर उधर घूमना है, खाना पीना है, नाम यश है, जो शारीरिक इंद्रिय भोग है, वे सब के सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वासना होगी तो आपको कष्ट होगा। जो आपको प्राप्य है, दैट व्हाट यू डिजर्व, आपके कर्मों के अनुसार आपकी सब पूर्ति हो जाएगी, प्रारब्ध कर्म आपको सब दिला देंगे। लेकिन अगर आप वासना के पीछे जाएंगे तो आप जीवन में कष्ट पाएंगे। तो जब कामना के साथ में संकल्प जुड़ जाता है तो वो वासना का रूप ले लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासी, और इस एक और भी आते हैं, जैसा मैंने कहा संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से कामनाएं उतनी, बाकी तो विचार बहुत सारे आते चले जाते, आए चले गए, कामना में परिणित नहीं होता जब संकल्प जोड़ देते हैं। तो कामना संकल्प को उत्पन्न करती है, हम पूर्ण करना चाहते हैं, और संकल्प जो होते हैं वो कामना को जन्म देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो पहले कहा जिसमें कामना और संकल्प का अभाव है, लेकिन याद रखिए अगर सेक्रेटरी है तो हमें तो संकल्प करना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा, चुपचाप बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये ऐड कर दीजिए स्वार्थ युक्त संकल्प। क्या शंकराचार्य ने कर्म नहीं किया? संकल्प करके किया उन्होंने कि ये करेंगे, इतनी कमेंट्री लिखी है उन्होंने, 70 कमेंट्रीज लिखी, इतने शास्त्र को अव्यक्त किया है, सब जगह गए उन्होंने, लोगों को परास्त किया है, तो बिना संकल्प के हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेकिन ये संकल्प उसके पीछे स्वयं का स्वार्थ नहीं था, इसलिए यहाँ पर स्वार्थ युक्त कामना और संकल्प का अभाव, यह कहा यहाँ पर। संकल्प समारंभा काम संकल्प विद, स्वार्थ पर काम संकल्प से वर्जित जिसके हैं। दूसरा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि के द्वारा दग्ध हो गए हैं। मैंने बताया था आपको स्वामी विवेकानंद के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते थे इसमें सदा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहती है, ज्ञानाग्नि जलती रहती है। और ज्ञानाग्नि का अर्थ क्या? ज्ञान का अर्थ है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप। तो यह जब निरंतर मन में बना रहेगा, इसको कहते हैं ज्ञानाग्नि। जो जाना अग्नि से फिर कर्म जल जाएगा, यानी कर्म करते हुए भी पता जानता है व्यक्ति कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं कर्म से परे, इसको कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। जैसे रस्सी जल गई, रस्सी को जली है, रस्सी का दिख रहा है, रस्सी जैसी दिख रही है, लेकिन आप उसको हाथ में लेने लीजिए तो वो राख है कि दिखने मात्र की रस्सी। ऐसे व्यक्ति का कर्म दिखता मात्र है कि वह कर्म कर रहा है, लेकिन वह बंधन नहीं करता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम बतमाहु पंडिता बुधाः, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति पंडित बोलते हैं, क्लेवर, वेरी क्लेवर। पंडिता, पंडित यानी क्या? बुद्धिमान। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आजकल के बड़े बड़े पंडित वो कैसे हैं? गिद्ध जैसे हैं। गिद्ध तो ऊंचा, बहुत ऊंचा उठता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? जमीन पर, कहीं पर सड़ा मांस पड़ा हुआ उसके ऊपर है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन भोग के ऊपर मन रहता है। ऐसे व्यक्ति पंडित बोलने मात्र के पंडित हैं। ठीक ठीक पंडित वह है जो कर्म करता है, संसार में रहता है, लेकिन काजल की कोठरी में रहता है, लेकिन वो काजल नहीं लगने देता। संसार से दूर रहना आसान है, दूर रहकर निर्लिप्त रहना आसान है, संसार में रहकर निर्लिप्त रहना, इसी को पंडित बोला। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, तो क्या कहते हैं अगले श्लोक में कहा है त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जो क्या करता है? कर्म के फल में आसक्ति को जिसने त्याग दिया। सारे कर्म कर रहे हैं लेकिन फलाशक्ति, बार बार इस बात को आया है, कर्माशक्ति फलाशक्ति इन दोनों को जा सकता है। कर्म में खूब किया कर्म, लेकिन आसक्ति को त्याग रखता, फल की इच्छा नहीं करता,
संसार में कुछ लोग सेवा कार्य भी करते हैं तो उसके पीछे नाम यश की इच्छा होती है, वो भी नहीं। आनंद से काम किया, पूरी तरह काम किया और फल की जरा भी चिंता नहीं। और जो लोग सचमुच इस प्रकार करते हैं, दे एंजॉय लाइफ, उनके जीवन में आनंद आता है। खूब पूरा काम करते हैं, इंटेंस एक्टिविटी, खूब अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फल की जरा भी चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं। आप देखेंगे बच्चों को, आप कोई फंक्शन होगा तो आप बच्चों को लगा यार ये काम करो, दरी बिछा दो तो वो दरी बिछा देंगे, अच्छा ये बर्तन दो ढालो वो बर्तन दो ढालेंगे, वो हंसी हंसते 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 कर डालेंगे, जैसे खेल है, और फिर चले जाएंगे, बस हो गया, चले गए। देखे ना आपने, बच्चों को किसी प्रकार का बंधन नहीं, देर एंजॉय, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आनंद है। अगर ट्रॉफी दे दी तो ठीक है, वो नहीं तो नहीं, चले गए। तो इस प्रकार से बिल्कुल फ्री होकर, मन में किसी प्रकार की फलाकांक्षा नहीं, ये तो फलाकांक्षा बाद में आ गई, बच्चों को नहीं समझता कि फलाकांक्षा क्या होती, वो कुछ नहीं समझते। काम किया, काम किया, खेल है, सब कुछ खेल है। जो ऐसे व्यक्ति के लिए ये संसार जो है वो खेल, पूरा प्रयत्न करेंगे, रुकेंगे नहीं, और उसके बाद में अगर असफल हुए तो भी चिंता नहीं, और सफल हुए तो भी चिंता नहीं। इसे कहा फलाशक्ति रहित, नित्य तृप्त, नित्य तृप्त, बड़े सुंदर वर्ड है, सदा तृप्त। एक ग्रंथ का नाम है पंचदशी, आपने नाम सुना होगा, ये विद्यारण्य मुनि का लिखा हुआ है पंचदशी, 15 उसमें चैप्टर हैं। एक चैप्टर है तृप्ति दीप प्रकरण, तृप्ति दीप प्रकरण, वो दीप दीपक है, इसका उपमा जैसे किया है, और वहां पर बताया है निरंकुशा तृप्ति, ऐसी तृप्ति जो किसी प्रकार से उस पर अंकुश नहीं, कोई रुकावट नहीं। हमारी संसारिक तृप्ति है वो वस्तुओं पर निर्भर करती है, बच्चे पर, धन के ऊपर, अनेक वस्तुओं पर, और हम तृप्त प्रतीत होते हैं, लेकिन तृप्ति के पीछे कहीं न कहीं एक कोई अंकुश लगा हुआ। सेंट टेरेसा ऑफ अविला, ये मदर टेरेसा नहीं, ये 15वीं-16वीं शताब्दी में स्पेन में एक संत हो गई हैं, टेरेसा अविला नामक स्थान पर टेरेसा, उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार की तृप्तियां होती, कई प्रकार की जीवन में तृप्ति शांति होती है। कुछ लोग कहते हैं, यानी आप देखेंगे कुछ लोगों को संसार में बड़ा अच्छा हुआ, नाम यश भी मिला, पुत्र भी प्रतिष्ठित हो गया, धन भी मिला, सब कुछ हुआ तो बड़े तृप्त, और समझते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान जब भी करने लगे तो लगता है कि हाँ मेरे जीवन में जो मिलना था तो मिल गया, लेकिन ये सारी तृप्तियां कुछ कुछ अन्य वस्तुओं के ऊपर निर्भर है। उस वस्तु को आप टच करो, उस विषय को आप छुओ तो सारी तृप्ति नष्ट हो जाती, लेकिन ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त होने के कारण जीवन में कोई भी अभाव का अनुभव नहीं करता, इसलिए नित्य तृप्त, नित्य सदा सर्वदा तृप्ति का अद्भुत स्थिति। तो इसको कहा नित्य तृप्त। निराश्रय भगवान के सिवाय और किसी पर आश्रित नहीं होता, निराश्रय का मतलब सांसारिक कोई आश्रय नहीं, कोई डिपेंडेंस नहीं। बड़ा कठिन, हम लोग धन के ऊपर आश्रित रहते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी किसी व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, बच्चा माँ पर, अपने पिता पर आश्रित होता है, पति पत्नी एक दूसरे पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मनोवैज्ञानिक पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, धन पर अधिकांश लोग आश्रित ही हैं हमारे। ऐसा व्यक्ति जो और किसी पर आश्रित नहीं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इमोशनल डिपेंडेंस किसी प्रकार से नहीं, शारीरिक डिपेंडेंस किसी प्रकार से नहीं, निराश्रय, बड़ा कठिन।
اس کے بعد میں کہتے ہیں نراشی آشا رہت. آشا رہت کے بارے میں اور بھی کئی بار بات ہو چکی ہے, کسی سے کوئی آشا اپیکشا نہیں. میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کی اپیکشا رکھتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے کچھ ملے گا. ماتا پتا بچے جو بڑے ہوتے ہیں تو اس اپیکشا کرتے ہیں کہ بچہ بڑے ہو کر ہمارے کو دکھے گا, بچہ بڑا ہوگا اچھا بنے گا, نام یش پراپت کرے گا, دھن پراپت کرے گا, ہم کو دیکھے گا. اور یہ آشا سنسار میں کتنا دکھ کا کارن. آشا ہی پرمم دکھم نیراشیم پرمم سکھم, شریمد بھاگوت میں ہم لوگ کر چکے ہیں, ادھو گیتا میں اودھوت کے 24 گرو میں سے پنگلا ایک گرو تھی جو ساری رات کسی یار کی پرتیکشا کرتی رہی, کوئی نہیں آیا, اور انت میں وہ کہتی ہے کہ آشا کرتی رہی کتنا کشٹ پایا, آشا چھوڑ کے آرام سے سو گئی. تو وہ کہانی اس کے اسی کو وہی کہتی ہے آشا ہی پرمم دکھم نیراشیم پرمم سکھم. کسی سے کوئی آشا اپیکشا مت کیجیے, آپ آنند میں رہیں. جہاں کہیں آشا اپیکشا کی ہی وہاں بندھن میں پڑ جائیں گے. پھر کہتے ہیں یت چت آتما تیکتوا کرم فلا سنگم نتیہ ترپتو نراشیہ نراشی یت چتر آتما. اس کے بعد میں کرمنی اپوتر نئے کنچت کروتمی ہے, ایسا ویکتی کرم کرتے ہوئے بھی نہیں کرتا, یہ بات کہیے. وہ اکرم میں کرم میں اکرم ہوتا ہے. لیکن آگے کہتے ہیں نراشی آشا رہت یت چت آتما. چت اور آتما جس کا سنیت ہے, چت اور آتما یعنی چت یعنی انتہکرن, آتما یعنی شریر اندریاں جس کے سنیت ہے, سیلف کنٹرول. دیکھیے آپ اگر دیکھیں گے تو استھت پرجیہ درشن جو ہے دوادش دوسرے ادھیائے کا اس سے ملتا ہے سب. اور دوادش ادھیائے میں جب گیتا کے بھکت کا بات وہاں پہ ہے, وہاں پر بھی اس پرکار کی باتیں ملتی. تو کہتے ہیں یت چت آتما جس نے انترکرن اور شریر پر نینترن کر رکھا ہے. اگر نینترن نہیں ہوگا تو ترپتی نتیہ ترپت بھی نہیں ہوگا اور نراشی بھی نہیں ہوگا, من اس کو نچائے گا. تو کہتے ہیں انترکرن اور شریر پر جس کا پورن نینترن ہے اس لیے آشا رہت اور نتیہ ترپت ہے ایسا ویکتی. تیکت سرو پریگرہ اس نے سارا پریگرہ سنچے چھوڑ دیا. اور یہ سنچے کرنا ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کتنا بندھن ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کے اگر گھر میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے جتنی آوشکتا ہے نیڈ سے اس سے زیادہ آپ کی گریڈ ہے, بہت ساری چیزیں لوپ کے کارن گھر میں بھر رکھی ہیں, تو یاد رکھیے وہ گھر میں نہیں بھرتے, ہم اپنے من میں بھرتے. ہم آسکت ہو جاتے ہیں. ایسا ویکتی جس نے پریگرہ چھوڑ دیا ہے. شری رام کرشنا انہوں نے ماسٹر مہا سے کہا کہ بھائی میرے لیے دو کرتے لے آنا. وہ چار کرتے لے آئے. انہوں نے کہا چار کیوں لائے, دو کو چھوڑ دو واپس, نہیں میرے کو نہیں چاہیے, میں نے دو کہا تھا دو ہی لانا چاہیے. وہ تو تھوڑا سا الائچی سونف الائچی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے, پورن روپ سے اپریگرہی. جتنی آوشکتا بس اتنی, اس سے ادھک نہیں. اس کو بولتے ہیں اپریگرہ. بڑا کٹھن ہماری سنچے کی وتی اتنی پربل ہے کہ پریگرہ اپریگرہ اتینت کٹھن. لیکن اگر ایک بار اپریگرہ کا ابھیاس ہو جاوے تو آپ دیکھیں گے کہ جیون میں بڑا آنند آئے گا, بہت آنند آئے گا, بہت آپ آنند سے رہیں گے. تو کہا نراشے کے بعد اس کے بعد میں اپریگرہ کے اوپر. آف کورس پاتنجل یوگ سوتر میں تو اپریگرہ کی بات وستار سے کہی گئی ہے. پریگرہ میں کیا ہوتا ہے, وستو نام ارجن رکشن کشے ہنسا سنگ آدی دوشین, وستو نام پریگرہ تیاگ. اس پرکار کہتے ہیں کہ وستو کو ارجن کرنے میں محنت کرنا پڑتی ہے, اس کو رکشن کرنا پڑتا ہے, سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے, کپڑے صاف کرنا پڑتے ہیں, نہیں تو دیمک لگ جائیں گے. ارجن رکشن ان کا کشے ہوتا ہے تب کشٹ ہوتا ہے, اس سے آسکتی ہو جاتی ہے
और हिंसा होती है। घर में बहुत सारी चीजें हैं तो वो क्या होता है, वो स्प्रे करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ये सारा वो परिग्रह के साथ लगा हुआ है, इसलिए उसको चारना। लेकिन शारीरम भगवान कहते हैं ना, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त परिग्रह त्याग कर दिया है वह केवलम शारीरम कर्म करता हुआ, शरीर का कर्म करता हुआ किल्बिषम न आप्नोति, कोई पाप को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ तक की जितनी वैल्यूज हमने देखी, इसके आगे यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर समासिद्धौ च सिद्धौ च गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः इत्यादि वैल्यूज, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। ॐ शांति 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 हरि ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।